चलो पहले एक बात समझ लो, इसके बाद क्वेश्चन लिखना। जैसे मान लो आप मंथली के 10,000 रुपए कमाते हो, ठीक है, आप मान लो 10,000 रुपए कमाते हो, उसमें से 5,000 रुपए नहीं 6,000 रुपए मान लो आप खर्चा कर देते हो। 10,000 टोटली क्या है? आय। और ये 6,000 क्या है? खर्चा या व्यय। तो 10,000 आप कमाते हो, 6,000 खर्चा करते हो, तो बताओ बचत कितनी करते हो आप? तो ये 4,000 कहां से आई? तो आप बोलोगे मैंने ऐसा किया है आय माइनस व्यय। जब किया है तो क्या आई है? बचत। तो अगर मैं यहां पास ये बोलूं कि हमारी आय मान लो 3x है, कितनी है, या कि फिर हमारी आय x है, उसमें से मैं 4,000 रुपए खर्च कर देता हूं, कितने रुपए? 4,000 रुपए व्यय कर देता हूं, तो आप बताओ बचत कितनी होगी? मैं जिससे पूछा वही बताएगा। मेरी आय कितनी है? 3x, उसमें से हम व्यय कितना करते हैं? 4,000। तो आपको बताना है बचत कितनी होगी, आप बताओ। मैंने ये पूछा कि मेरी आय 3x है, उसमें से मैं 4,000 रुपए व्यय कर देता हूं, तो बचत कितने रुपए रही होगी, आप बताओ। थ्री एक्स माइनस, आप बताओ ना। बिल्कुल यही होगी, 3x माइनस, क्योंकि आप समझो ये बचत हमने कैसे निकाली थी 4,000। तो आप बोलोगे 10,000 हमारी आय थी और 4,000 हम खर्चा कर रहे थे, 10,000 में 6,000 तो घट गया, लेकिन 3x में ये नहीं घट पाएगा, तो हमारे होगा कितना? तो बोलोगे 3x माइनस 4,000। अगर मान लो बंदा x रुपए कमाता है, उसमें से 2,000 रुपए खर्च कर देता है, तो बताओ बचाता कितना है? x माइनस 2,000। बस इतनी ही बातें समझनी है, लिखो क्वेश्चन तो बात समझ आएगी। लिखो ए तथा बी की आयु का अनुपात, आयु नहीं आय, ए तथा बी के आय का अनुपात, ए तथा बी के आय का अनुपात 2:3 है। लिखो, हमें क्यों देख रहे हो? ए तथा बी के आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात, और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक 24,000 रुपए की बचत करता हो, यदि उनमें से प्रत्येक 24,000 रुपए की बचत करता हो, तो ए की आय बताओ क्या रही होगी, ए की आय बताओ क्या रही होगी। चलो देखो, जिनका नहीं आ रहा था, ये हो गया ए और ये हो गया बी, इनकी जो आय का अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है बताओ? 2:3। जबकि जो व्यय का अनुपात दिया है कितना दिया है? 1:2। लेकिन ये व्यय का अनुपात 1:2 तब होता है जब 1:2 हो जाता है, कब? जो वो 24,000 रुपए ये भी बचाता है, ए भी और बी भी कितना बचाता है? 24,000 रुपए। एक बात बताओ, क्या मैं इसे 2x और 3x मान सकता हूं? तो आप बताओ, अगर मैं बचत का अनुपात निकालना चाहूं, 2x मैं कमाता हूं, क्या 2x कमाता हूं, उसमें से ये क्या है आप बताओ? बचत। आप जैसे मैंने बताया था कि 10,000 रुपए मान लो हमारी आय थी, उसमें से अगर मैं बचत करता हूं मान लो 3,000 रुपए की, तो खर्चा कितना करूंगा बोलो? तो खर्चा कितने हजार? तो कैसे ये 7,000 आया? तो आप बोलोगे आय माइनस बचत, जब हमने किया क्या आया है? व्यय। तो इसी तरीके से टोटल आय थी हमारी 2x, उसमें से हम 24,000 रुपए क्या कर देते हैं? बचा लेते हैं। और इसकी आय थी 3x और 24,000 रुपए ये भी बचा लेता है, तो फिर अनुपात कितना हो जाता है? 1:2। ये ध्यान से सुनना, ये ए की आय है, आय में से हमने बचत को माइनस किया तो उनके व्यय का अनुपात आया।
आय में से हमने बचत को माइनस किया तो क्या आया व्यय। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो 2 से 2 का होगा कितना आएगा 4x माइनस ये कितना हो जाएगा 48,000। ये बोलो इसका इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 24,000। एक्स को एक साइड कर लो और संख्याओं को एक साइड कर लो, तो 4x यहां लिखा हुआ है, 3x को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x। ये कितना हो जाएगा, ये 48,000 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 48,000 और माइनस ये कितना 24,000। तो आप बोलो 4x में 3x घटेगा कितना x, x बराबर कितना 24,000। अगर x बराबर 24,000 आ गया तो आप बोलोगे ऐसा काम करते हैं, एक ही आय पूछी थी तो 24,000 x की वैल्यू आई है, जहां यहां x की वैल्यू रखने की कोशिश करोगे तो 2 × 24 कितना 48,000। इसकी आय कितनी 48,000 और इसकी आय कितनी 72,000। और यही सवाल के क्या थे, बात समझ आई, लिख लो आराम से। देखो जब पेपर में करोगे आप तो ये तो तरीका है पूरा प्रॉपर एक्स वाई मान के, लेकिन जब पेपर में करोगे तो केवल ऐसा किया करो, इतनी बातें। इसके लिए स्पेसिफाई आप रूल एक याद रखो कि आय व्यय वाले में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये था ए और ये था बी, यहां लिखो आय, आय कितना थी 2:3, व्यय कितना था बताओ। कब ये व्यय था, जब प्रत्येक 24,000 ये भी बचत करता है और 24,000 ये बचत थी। तो आप यहां से देखोगे गौर से, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 2 का किसके साथ, इसके साथ किया है, और इसका हमने इसके साथ, तो वही तरीका यहां करेंगे लेकिन एक्स वाई नहीं मानेंगे। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई केवल करना है, और इसका इसके साथ कितना आएगा, एक का आया था 4, एक का है कितना, केवल इनका अंतर लेना है, लेना है कितने यूनिट, एक यूनिट अंतर आया। यहां पास गौर से देखोगे इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना 48,000, और इसका कितना, एक में आया था 48,000 और एक में आया है 24,000। बोलो अंतर यहां कितने का आ रहा है, एक यूनिट कितने के बराबर 24,000 के। तो पूछा था बताओ आय कितनी रही होगी, 2 यूनिट कितने के बराबर 48,000 और 3 यूनिट 72,000। दो तरीके आपके पास उपस्थित हैं, किसी से भी लगा सकते हैं, ये पूरा डिटेल है, ये 60 तरीका है, ठीक है। अगला बोले लिखो कौन सा, ये वाला कि दिख नहीं रहा, तो पहले ही बताना चाहिए था। अब बोलो दिख रहा है, ठीक है अब समझा दें, ये वाला कि वो वाला, ये वाला वहीं से निकला हुआ है 60 तरीका। ये था आय और ये था ये ए हो गया, ये कुछ नहीं, जो जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है। आय कितना दिया है 2:3, व्यय कितना 1:1, कब होता है जब ये बचत कितना करते हैं, ये भी 24,000 और ये भी कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई केवल करना है, 2 से 2 कितना आएगा बोलना है 4 और 3 से 1 कितना, इनका अंतर कितना है बताओ, एक यूनिट का अंतर आया। इस बाद यहां देखो 24 × 2 कितना 48,000, मैं यहां लिखता हूं 48,000 और ये कितना हो जाएगा 24 × 1 = 24,000। अब बताओ इनका अंतर कितना आ रहा है 48,000 और 24,000 का 24,000, तो एक यूनिट 24,000 के बराबर। तो आप बोलोगे यहां से देखोगे 2 यूनिट कितने के बराबर 48,000 और 3 यूनिट कितने के बराबर, यानी कि जो ए की आय रही होगी 48,000 और बी की आय 72,000, और यही सवाल के आंसर थे। चलो अगला लिखो, एक ए तथा बी के आय का अनुपात, इस बार आंसर कोई नहीं बोलेगा, ए तथा बी के आय का अनुपात 9:7 है, 9:7 है, और उनके व्यय का अनुपात, और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है, 4:3 है,
यदि दोनों व्यक्ति 200-200 रुपए की बचत करते हो, यानी कि प्रत्येक 200 रुपए की बचत करता है, दोनों व्यक्ति 200-200 रुपए की बचत करते हो, तो दोनों की आय बताओ क्या रही होगी। बोलेगा कोई नहीं अभी। दोनों की आय बताओ क्या रही होगी। आंसर अभी कोई नहीं बोलेगा। चलो देखो, मैं पहले 60 बता देता हूँ, इसके बाद लॉन्ग कट में बता देता हूँ। ए था और बी था, इसकी आय का अनुपात क्या था बताओ? 9:7 और व्यय 4:4। इनकी बचत कितनी थी बताओ? 200। ये भी बचाता था और 200। अब गौर से सुनना, हमने बोला था कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 3 के कितना और 7 4 को कितना, इनके बीच का अंतर कितना, तो लिख लो 1 यूनिट। यहां देखो ये कितना हो जाएगा 600 और ये कितना, इनके बीच का अंतर कितना, 200। 1 यूनिट 200 के बराबर। तो बताओ 9 यूनिट कितने के बराबर, 7 यूनिट कितने के बराबर, यानी कि ए की आय 1800 और बी की आय 1400। एक्स वाई से भी एक बार देख लो अगर आप देखना ही चाहते हो तो। ये कितना हो जाता 9x और ये कितना 7x। तो ये थी उनकी आय। 9x में से 200 रुपए वो क्या कर देता है, बचाता है, और ये 7x में से 200 रुपए बचाता है, तो फिर अनुपात कितना हो जाता है, 4:1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वही बात आएगी, 9 3 के कितना कितना 600, ये कितना 28x और ये कितना, x को एक साइड करोगे, मैं इस x को उधर भेजता हूं तो बोलोगे 28x माइनस ये कितना 27x, ये कितना हो जाएगा 800 माइनस 600, तो बोलो यहां से कितना रहा x बराबर कितना 200। बात वही है, वहां से 1 यूनिट 200 के बराबर आया था, यहां x बराबर 200, तो बोलो ये कितना 1800 और ये कितना, और यही सवाल के क्या थे, लिख लो, मैं इसको देखूंगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ए एवं बी के मासिक आय का अनुपात 6:5 है, 6:5 है, और उनका मासिक व्यय 4:3 है, 4:3 है। यदि प्रत्येक प्रतिमा 400 रुपए की बचत करता है, 400 रुपए की बचत करता है, तो प्रत्येक की आय बताओ क्या रही होगी। थी ये आय हो गई ए और बी। कितना दिया था 6x और 5x। व्यय कितना था बताओ 4:3। तो हमने बताया ये आय थी, इसकी आय में से 6x वो कमाई करता है, कितना बचत करता है 400 बटे ये कितना हो जाएगा 5x माइनस बराबर कितना 4 बटे ये कितना हो जाएगा 18x माइनस बराबर ये कितना 20x माइनस 1600। एक्स को एक साइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20x माइनस 18x, ये कितना हो जाएगा 1600 माइनस 1200, ये 2x बराबर कितना 400, x बराबर कितना 200। अगर x 200 के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 1200 और ये कितना 1000। अच्छा यहां से गौर से देखना, ये 1200 रुपए कमाता है, ठीक है, 1200 रुपए कमाता है और 1000 रुपए ये कमाता है। अगर ये 200 रुपए क्या कर देता है 400, 400 क्या कर देता है बचत करता है, तो खर्चा कितना करता होगा 800 और ये कितना खर्चा करता होगा 600, ठीक है। इनका मैं देख लेता हूँ एक बार अनुपात, ये अनुपात था 6:5 का, ठीक है। अगर इनका अनुपात देखोगे, ये 00 से ये 00 कटेगा और ये कितना आएगा 4:3।
मैं इसको देखूंगा, हालांकि अभी इसी तरीके से आप लगाओ थोड़ा सा, ठीक है? नहीं नहीं मैं उसको देखूंगा कि एक्स से क्यों नहीं आ रहा, तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? लेकिन अगर उसी का हम बचत का जो एक्स की वैल्यू आई थी, हाँ, उसका हम बचत में गुणा करेंगे तो आ जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब जो कुल, ठीक है, उसको अभी रहने दो, मैं बता दूंगा, ठीक है? चलो एक और लिखो फिर। ए तथा बी की आय, ए तथा बी की आय पांच अनुपाते चार में है, पांच अनुपाते चार में है। ए व बी के व्यय का अनुपात, ए व बी के व्यय का अनुपात तीन अनुपाते दो है, तीन अनुपाते दो है। यदि वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए की बचत करते हैं, मतलब प्रत्येक 800 रुपए की बचत करता है, तो ए की आय बताओ क्या रही होगी? ये ए था और ये बी था, आय कितनी थी इनकी? पांच अनुपाते, यानी 5x 4x। कितना ये बचाते थे? यानी कि 5x-800/4x-, व्यय कितनी थी इनकी? तीन अनुपात दो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। ये कितना हो जाएगा? 10x-, ये कितना हो जाएगा? 12x-24। तो x को एक साइड करोगे तो ये 10x उधर जाएगा, तो ये मैं डायरेक्ट करता हूँ इस बार 2x, और ये इधर आएगा तो कितना? 800, क्योंकि 2400 इधर आएगा तो 2400-1600, तो x बराबर कितना? 400. x 400 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? और ये कितना? 1600। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम परेशान ना हो उसको, ठीक है? हाँ, 3200। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। ए और बी के वेतन का योग, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। ए अपने वेतन का, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है, और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में, यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है, यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है, तो ए का वेतन कितना रहा होगा? ए का वेतन, ए और बी के जो आयु का, आय का योग था कितना था? 2100। यानी कि ए प्लस बी मिला दोगे आय, तो टोटली कितनी हो जाएगी? 2100 रुपए हो जाएगी। ए की जो बचत का अनुपात दिया था किसका? व्यय का अनुपात कितना दे रखा था? किसका ये व्यय है कि बचत? बचत है, तो ये बताओ ना, ये बचत है, तो इसे मान लेता हूं 4x। और अब गौर से सुनना, ए जो है अपनी आय का 80% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। अच्छा, ये बचत है और ये क्या है? खर्च करता है। तो आप बताओ, अगर 80% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है? कह सकते हो कि ए अपनी कुल आय का 20% क्या करता होगा? बचाता। हमारे अनुसार 20% बचा रहा है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना? 4x। तो बोलोगे 1% की वैल्यू कितनी आएगी? तो 4x/20, क्योंकि किसी व्यक्ति की सैलरी 100% होती है, तो 1% की वैल्यू 4x/20 है, तो बोलो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20x। कितनी हो जाएगी? ये ए की क्या है? आय। इसी तरीके से आप बताओ बी कुल मिला के कितना खर्च करता है? 70% खर्च करता है, तो बचाता कितना है बताओ?
30% बचत करता है, जबकि क्यूस्टन के अनुसार कितना बचत कर रहा है? तो बोलो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x बटे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कटेगा 10 और ये कटेगा 10, कितना हो जाएगा 10x। आप देखो हमारे अनुसार a की जो आय थी 20x आई है और b की आय कितनी 10। तो दोनों को अगर हम मिलाने की कोशिश करते हैं 20x और 10x कितना हो जाएगा? ये दोनों की आयु का क्या, आय का क्या है? योग। जबकि क्वेश्चन ने बोला है इतना नहीं, कितना है? 2100। तो बोलो x की वैल्यू कितनी आएगी? 70। x की वैल्यू कितनी? 70। अगर x की वैल्यू 70 आ गई तो a की अगर इनकम पूछी जाएगी तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20x मतलब कितना? 20 × 70 कितना हो जाएगा? 1400। और कितना था ये? 10x। ये कितना हो जाएगा? 10 × 70 कितना? 700। और यही सवाल का क्या था? क्योंकि हमने बचत के रेशियो के बराबर कर दिया, ए अपनी आय का 80% खर्च करता था तो हमने बचत निकाल लिया 20%, 4x के बराबर, तो 100% कितना? 20x। ये 70% खर्च करता था तो 30% बचाता होगा, ये 30% हमारे अनुसार बचा रहा है, क्वेश्चन के अनुसार कितना? 3x। तो 30% बराबर 3x, 1% इतना, 100% इतना, हमारे अनुसार ए की आय 20x थी और इसकी आय 10x, तो 20 10 टोटी मिलाया तो हमारे अनुसार 30x हो रहा है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार 2100 x की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल से करेंगे।